वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जब सीखेंगे जो बैकगैमन का डबलिंग क्यूब होता है, इसका रोल क्या होता है। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है इसको यूज़ करने में, तो आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात है डबलिंग क्यूब की, तो डबल करना कौन शुरू करता है कि ब्राउन वाला कर रहा है या क्रीम प्लेयर करेगा, कौन करेगा। देखिए, शुरू कोई भी कर सकता है। जिस प्लेयर को ऐसा लग रहा है ना कि मैं जीत सकता हूँ इस गेम को, वो इस गेम में डबल करना शुरू कर देगा। मान लो इस ब्राउन प्लेयर ने डबल कर दिया, या फिर अब उसको क्रीम प्लेयर के पल्ले में जब ये आ गया था तो क्रीम प्लेयर को लगा नहीं अब मैं भी जीत सकता हूँ, तो इस डबल का 4 गुना कर देगा। ये गेम आगे चलती रही तो इसका पलड़ा भारी हो गया, तो इसने आगे नहीं चला, मैं 4 का 8 कर देता हूँ। तो इस तरीके से जिसको लगे कि मैं जीत रहा हूँ वो इस गेम को स्टार्ट कर सकता है डबल करना। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि डबल करने के लिए कब करना होता है डबल। जैसे अब इस ब्राउन प्लेयर की बारी है, अब इसने डाइस गिरा दी, देखा 6 और 4 आए, इसे लग रहा है कि हम मेरे एडवांटेज के नंबर आ गए हैं, अब वो डबल कर देगा, चलो मैं अब इसको डबल कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अपने जो गिट्टे गेरने हैं ना डाइस, उस डाइस को गेरने से पहले उसको डिसाइड करना है कि मुझे डबल करना है कि नहीं करना। ठीक है, 2 का 4 करना है या 4 का 8 करना है। बाद में एक बार डाइस गेर दिया, उसके बाद उस टर्न में वो नहीं कर सकता। तो क्या है, मान लो 2 प्लेयर खेल रहे हैं, अभी ब्राउन हो रही है, क्रीम वाला प्लेयर खेल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में क्यूब को ऐसे रखा होता है। अच्छा, क्या होता है कि अगर हम सिंपल गेम खेल रहे हैं तो एक गेम का 1 पॉइंट माना जाता है, ये आप मान के चले। ठीक है, क्यों, एक प्लेयर जीतता तो उसका 1 गेम पॉइंट है। अब डबलिंग क्यूब का क्या होता है कि जितने नंबर हम डबल करते जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि गेम पॉइंट्स को हम डबल करते जा रहे हैं। तो सपोज़ करो, अब ब्राउन वाले प्लेयर ने कहा कि मैं इसको डबल करता हूँ पॉइंट को, तो इसने क्या कर दिया, 2 रख दिया सबसे पहले। तो अब अपोजिट प्लेयर जो है क्रीम प्लेयर, इसको क्या करना पड़ेगा, इसने जो डबलिंग करी ना, या तो इसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं तूने जो डबलिंग करी ना मैं उसको मान लेता हूँ, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर दे। अब हम पहले मान के चलते हैं कि अगर गेम में हर प्लेयर एक दूसरे का एक्सेप्ट करता जा रहा है तो क्या होगा। तो सपोज़ कर लो, अब इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, 2 को क्रीम प्लेयर ने, इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये डबलिंग क्यूब है ना वो इसके पाले में आ जाएगा अब, यानी कि इसके कंट्रोल में आ जाएगा अब, ये अपने पास रखेगा यहाँ पर अपनी तरफ क्यूब को। ठीक है, अब जब और डबल करना है, 2 का डबल क्या होता है, 4। अब ये पावर सिर्फ उसके पास है जिसके पाले में वो क्यूब है। पहले ब्राउन वाले ने डबल किया था, ठीक है, स्टेक, उसने एक्सेप्ट कर लिया क्रीम वाले ने, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पाले में चला गया वो। अब वो डबलिंग करने की पावर किसके पास है, इस वाले के पास। अब वो क्या कहेगा, 4। अब इसी तरह से ब्राउन वाला प्लेयर क्या कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है, अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो अब क्यूब क्या चला गया, इसके पाले में, ये अपने पास रख लिया ब्राउन वाला प्लेयर। अब स्टेक्स को डबल करने की पावर किसके पास है, ब्राउन वाले प्लेयर के पास, इसके पास नहीं है, जिसके पास होती है सिर्फ उसी के पास पावर होती है। तो इस तरीके से इसने मान लो अब 8 कर दिया सपोज़, ठीक है, और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया और अपने पास रख लिया, तो गेम में फर्दर अब कोई इंक्रीज़ उसने नहीं किया। सपोज़ करो क्रीम वाले प्लेयर ने दोबारा इसको डबल करने की कोशिश नहीं करी, और अब गेम के एंड पे हम आते हैं, अब क्या होगा इसका फ़ायदा या नुकसान। तो फ्रेंड्स, अब गेम के एंड में आ गए हैं। अब गेम का जो स्टेक पावर क्या थी, 8, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसमें अब क्रीम वाले प्लेयर की क्या है, सारी गिट्टियाँ निकल चुकी हैं, तो ये गेम को जीत गया फिलहाल के लिए, और इसके कितने, 2 गिट्टियाँ निकली हैं। तो अब इस गेम के गेम पॉइंट कैसे डिसाइड होंगे, आप कहोगे सिंपल है, 8 का स्टेक था तो 8 गेम पॉइंट से इस गेम को जीत गया, क्या ये बात ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस कंडीशन में ठीक है, ये 8 गेम पॉइंट से इसको जीत गया, क्योंकि इसके सारे निकल गए थे, इसके सिर्फ 2 ही निकले थे। अब अगली कंडीशन में हम आते हैं, क्या इसका 1 भी नहीं निकला था और इसके सारी गिट्टियाँ निकल गई थी। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमन। इस कंडीशन में 8 गेम पॉइंट से नहीं जीतेगा ये, उसका डबल हो जाता है अगर 1 भी गिट्टी दूसरे प्लेयर की नहीं निकली है। तो इस टाइम ये गेम का क्या था, स्टेक 8 था क्यूब के ऊपर, और इसकी 1 भी गिट्टी निकली तो 8 का डबल 16, तो जो क्रीम वाला प्लेयर है इस गेम को 16 पॉइंट से जीत गया। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे। अब इसकी 1 भी निकली नहीं थी और इसकी सपोज़ 1 गिट्टी सपोज़ यहाँ सेंटर पे बार पे थी, अब क्या होगा। इस कंडीशन में जो क्यूब का नंबर होता है ना, जैसे 8 है इस पे, तो वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि अब ये कितने गेम पॉइंट से जीतेगा इस गेम को, इस चीज़ को बोलते हैं बैकगैमन बेसिकली, 8 × 3, तो 24 गेम पॉइंट से वो जीत गया। तो 3 टाइम्स पॉइंट से कब जीतता है वो, जब 1 गिट्टी सेंटर पे होती है और 1 भी गिट्टी उसकी नहीं निकली होती।
तो तीन कंडीशन आप समझ गए, सिंपल जो क्यूब की वैल्यू है कब जीतेगा, कम से कम एक गिट्टी निकली हो अपोजिट प्लेयर की, उससे डबल कब होगा जब एक भी गिट्टी ना निकली हो, ट्रिपल कब होगा जब एक गिट्टी सेंटर पे हो। तो इस लास्ट वाली जो कंडीशन होती है ना, एक गिट्टी सेंटर पे हो और वो ट्रिपल गेम पॉइंट्स जो इसके पॉइंट है उसे ट्रिपल से जीतता है, इस कंडीशन को बैकगैमन बोलते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से 8 गेम का स्टेक्स था, तो मान लो ये सेंटर पे थी तो 8 × 3 से वो जीत गया। अब गेम का स्टेक और ज़्यादा होता, मान लो 8 ना होता, 8 की बजाय क्या 16 होता, 16 या सपोज 64 होता, तब वो कितने गेम पॉइंट से जीतना था, 64 × 3, ठीक है, तो 192 गेम पॉइंट से इसने जीत जाना था अगर गेम का स्टेक 64 होता, ठीक है, सिंपल। तो ये कंडीशन कब थी, जब दूसरे प्लेयर एक दूसरे के स्टेक्स को एक्सेप्ट करते जा रहे थे। अब सपोज ऐसी कंडीशन थी गेम में, अगर वो उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट ना करते तब कैसे विन या लूज के कैसे गेम पॉइंट डिसाइड होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। अगर प्लेयर एक दूसरे के स्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है। अब सपोज करो इसने ब्राउन वाले प्लेयर ने स्टेक किया था सबसे पहले डबल करने का 2, अब इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, देखिए तो सिंपल है, पहले जो गेम पॉइंट था वो क्या था, सिंगल था, 1 गेम पॉइंट था, उसको डबल किया था और इसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये गेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी जब एक्सेप्ट नहीं करता वो। और वो कितने गेम पॉइंट से हारेगा, जितना डबल हुआ और जो पहले था, अभी क्या है स्टेक 2 है, पहले क्या था सिंगल था, तो ये 2 - 1 सिंगल गेम पॉइंट से हार जाएगा। मान लो इसने 2 एक्सेप्ट कर लिया था और इसने बाद में कर दिया था क्या 4, अब 4 जो गेम जो स्टेक्स हैं वो ब्राउन वाले प्लेयर ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो ब्राउन वाला प्लेयर हार जाएगा। कितने पॉइंट से हारे वही बात, 4 से पहले कितना स्टेक होना था, 2 तक तो चल रहा था, लेकिन 4 अब इसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो 4 माइनस पिछला क्या है 2, 4 - 2, 2, तो ये 2 गेम पॉइंट से ही हारेगा। तो अब डिफरेंस समझ रहे हैं इसमें क्या हुआ, अब अगर गेम एंड तक चली, जैसे मान लो एंड तक चलने में वो 8 पॉइंट से हार सकता था, डबल से हार सकता था, 3 गुना से हार सकता था, मैंने आपको बताया कैसे कैसे, सिंगल, दुगुना, 3 गुना, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे पता है मैं हार ही जाऊँगा बाद में भी, तो अभी मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो उसने स्टेक्स को डबल किया है ना या 4 गुना किया उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो सिंपल जैसे उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो सिंपल ये 4 माइनस जो पिछला स्टेक था 2, 4 - 2, सिर्फ 2 पॉइंट से ही हारेगा, ना कि कोई, अगर लास्ट में ये 4 से हार सकता था, 4 × 2 8 से हार सकता था, 4 × 3 12 पॉइंट से हार सकता था, तो अभी सिर्फ वो 2 पॉइंट से ही हारा है। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको जो सो भी सारे डाउट थे आपके ये डबलिंग क्यूब के बारे में सारे क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और पूरी बैकगैमन गेम के रूल्स मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसका रूल जाके दोबारा ज़रूर देखें, उसमें भी आपको और अच्छे से समझ में आएगी गेम। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग गेम्स का नोटिफिकेशन आपको जा सके जब भी हम बनाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।